नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ? अरे हाथ छोड़ के तो चलो ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जिसको जो सोचना है सोचने दो। अब जब प्यार किया तो डरना क्या? हम्म, चलो मरवाओगे किसी दिन मुझे? अब तो साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। चलो भाई साहब, एक रूम देना, डबल बेड वाला। मैडम, एसी वाला रूम चाहिए या नॉन एसी? अगर एसी वाला चाहिए तो इसका। एक मिनट भाई साहब, नंदनी इधर आओ, सुनो जरा। क्या हुआ? इधर आओ, बात सुनो। हुआ क्या? यार मुझे लगता है हमें एक बार और सोच लेना चाहिए। क्या सोच लेना चाहिए? हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे? नहीं, और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है दिनेश। अगर हमें ये सोचना था तो भागने से पहले सोचना चाहिए था। नंदनी पर फिर भी सोचो, अपने पापा के बारे में सोचो कि अगर उनको पता चल गया ना तो। उन्हें नहीं पता चलेगा, डोंट वरी। और वैसे भी जब तक पता चलेगा ना तब तक हम शादी कर चुके होंगे। नहीं नंदनी, मेरा दिल बोल रहा है कि वो हमें ढूंढ लेंगे। अरे ये तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा डर बोल रहा है दिनेश, वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, ट्रस्ट मी। अरे पापा, उन्हें पता है कि मुझे लग्जरी में रहने की आदत है। अगर वो मुझे ढूंढेंगे ना तो किसी 5-स्टार होटल में ढूंढेंगे, और इस लॉज में नहीं। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए इस गंदी सी लॉज में रह रही हूँ, जहां मैं एक दिन तो क्या एक मिनट के लिए भी सांस नहीं ले सकती। मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। चलो चलो भाई साहब, एक एसी वाला रूम देना। मैडम, एसी वाले रूम का रेट एक दिन का 10,000 रुपए, जो बच जाए कल वापस कर देना। थैंक यू, थैंक यू। चलो कहाँ है मेरी बेटी? कौन है आप लोग? मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी ये आई है? नहीं, ये यहाँ नहीं आई। तू तो कह रहा था ये भी आई है। सर पक्का यहाँ ही आई है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं आई। एक एक रूम छान मारो, अगर बेटी यहाँ मिली तो तू तो गया काम से। चल ले। सर सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर सुनिए तो सर, सर 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 प्लीज मेरी बात सुनिए सर। कोई नहीं है सर, कोई नहीं सर, तुम्हारे और कस्टमर है सर। परेशान सब परेशान मत। कौन है आप लोग, ऐसे कैसे रूम में घुस आए? रहने दो सर, हमारे और कस्टमर है। सर आ जाओ प्लीज, प्लीज आ जाओ, तुम्हारे और कस्टमर है सर। परेशान सब परेशान मत करो सर। किशोर कैसा? ताला मत तोड़ो। नंदनी सुनो, क्या क्या हुआ? बाहर वो क्या बात है? क्या तुम भी ना इतने गर्भ गुरु को मैं देखती हूँ, क्या हुआ है? सब परेशान मत करो सर, सब यहाँ तो पापा है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं तो गई, मुझसे पहले मैं गया, मुझे नहीं छोड़ने वाले वो लोग। सर मेरी बात सुनिए सर, सर 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 इसके हाथ या पैर पर कहीं भी कोई भी चोट या घाव का निशान दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है इसे गला घोट करके मारा गया। देखो ये यहाँ, देखो इसके गर्दन पर ये अंगूठे का निशान, और ये इधर देखो ये उंगलियों के निशान। बाकी डिटेल में तो लैब में ले जाकर के पता लगेगा। पहले गला घोट के मारा और उसके बाद लटका दिया,
ताकि लोग खुदकुशी और खून के बीच में उलझे रहें। कौन है ये लड़की मैंने साहब? साहब ये कौन है मुझे नहीं पता साहब। एक लड़की की मौत हुई है तुम्हारे लॉज के कमरे में और तुम्हें पता नहीं है कि लड़की कौन है? साहब उस रूम में केवल एक ही आदमी था। ये लड़की कैसे आई कहां से आई मुझे कुछ नहीं पता साहब। कौन आदमी था है? कहां है वो? साहब वो तभी से नहीं दिखा, पता नहीं कहां गुम हो गया। फोन किया उसे? मैंने फोन किया था लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। कोई आईडी वगैरह तो होगी ना? हाँ साहब। दिखाओ जरा। सब लेके आता। और आप गन लेकर निकल पड़े लड़की को ढूंढने के लिए? सर क्या करता मैं, वो मैं बहुत गुस्से में आ गया था। ये लड़का मेरी बेटी को बहला फुसला कर घर से भगाकर यहाँ ले आया। सर एक्चुअली वो बात ऐसी थी। चुप। मैं खबरदार अपना मुंह खोला तो। देखिए ये दोनों बालिग हैं और इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये लोग जानते हैं, तो इनकी जिंदगी का फैसला इन्हें करने दीजिए। माफ कर दीजिए साहब, बाप हूँ इसका। मैं जानता हूँ कि इसकी समझ इतनी नहीं कि वो अपने शादी ब्याह का फैसला खुद कर सके। सर लड़की की कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिली है सर, ना ही कमर में कोई सूटकेस है और ना ही कोई पर्स वगैरह। सर मुकेश कुमार चवंती, जरा इस नंबर पर फोन करके देखो कहाँ पे याद। यस सर। मैनेजर साहब जब ये मुकेश अपने कमरे से सामान लेके बाहर निकला तो आपने उसे देखा नहीं? साहब वो खाली हाथ आया था, उसके हाथ में कोई लगेज नहीं था और लॉज से निकलते हुए उसको देखा भी नहीं, पता नहीं कहाँ गुम हो गया साहब। ये कोई और गेट है क्या यहाँ लॉज में आने जाने का? हाँ साहब लॉज के पीछे एक दरवाजा है। वो दरवाजा लॉक नहीं रखते साहब? उसका लॉक खराब है। सचिन जरा चेक कर लो, शायद वो लड़की उसी गेट से आई है। मुकेश ने उसका खून किया और उसके बाद वहीं से गायब हो गया। सर एड्रेस और नंबर दोनों जानी है। तब तो शायद बोल नहीं सकते, उसका नाम भी गलत ही होगा। सर पीछे की तरफ से तो किसी ने भी किसी को आते जाते नहीं देखा। कोई और आया था उस मुकेश से मिलने के लिए? साहब एक औरत आती थी उससे मिलके तुरंत चली जाती थी सर। उस औरत का चेहरा तो याद है ना? हाँ। ये लॉज के बाहर भी आसपास उस मुकेश के बारे में पूछते हैं, अगर उसने खून किया होगा तो बदहवासी में भाग रहा होगा, किसी ना किसी ने तो देखा होगा। अगर ये मुकेश लॉज से बाहर निकला है तो यहाँ आसपास जरूर किसी ने तो देखा होगा, आसपास पूछते हैं। उस पान वाले से पूछते हैं। कहिए सर कुछ जानना चाहते हैं आप? आपको कैसे पता कि हम यहाँ कुछ जानने आए हैं? मैडम जी यहाँ पर सब कोई पान खाने थोड़ी ना आते हैं, अब कोई अपना पता पूछने आता है, कोई रास्ता पूछने आता है, और आप जैसे लोग तो किसी के बारे में जानने आते हैं। मतलब आप ये भी जानते हैं कि हम क्या जानने आए हैं? नहीं साहब, लेकिन आप लोगों की फोटो तो अखबार में छपती रहती है ना साहब। आप ये बताइए आपने आज या कल में इस आदमी को यहाँ आसपास देखा है? देखा है साहब। कहाँ पे? इस बेवड़े को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये सूट बूट में था और उसकी चाल पूछिए मत। क्या मतलब? मैडम जी हद से ज्यादा चढ़ा रखी थी इसने, मैं दुकान पर ही था तभी ये आदमी होश गंवाए उस तरफ से आ रहा था। साहब कैब में बैठ के चला गया। आप उस कैब वाले को जानते हो या उस कैब का नंबर जानते हो? नहीं साहब, लेकिन वो इजी फेयर कैब था। इजी फेयर कैब? आप लोगों को पान लगा के दूं क्या? नहीं शुक्रिया, हम लोग पान वान नहीं खाते। थैंक यू। सर कैसे पता चलेगा वो कौन सी इजी फेयर कैब में गया था?
प्रेडी इजी फेयर कैब थी। आजकल सारे कैब्स में जीपीएस लगा हुआ है और इन कंपनीज के पास पूरी डिटेल होती है कि उनकी कैब कब और कहां जाती है। एक काम करो, उन सारे इजी फेयर कैब के डिटेल्स निकालो जो उस वक्त इस जगह पे थी जब मुकेश ने वो कैब हायर की। तो सुनीता नाम है सौरभ का, छोटी मोटी चोरियां करती है और लोगों के जेब भी काटती है। 5 महीने पहले जेल से छूटी थी पर उसके बाद इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और अब अचानक लॉज में इसकी लाश मिली। वो भी गले में फंदा लगाकर मरी है। इस सुनीता की मुकेश के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? इस मुकेश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, उस लॉज का वो कमरा मुकेश के नाम पे बुक था, ये स्केच वाली औरत अक्सर मुकेश से मिलने उसी कमरे में जाया करती थी, पर लाश मिलती है सुनीता की जिसे किसी ने आते जाते देखा भी नहीं और अब मुकेश गायब है, ये चक्कर क्या हो सकता है सर? हो सकता है सबके पीछे दूसरी औरत का हाथ हो। सर इस दूसरी औरत का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। सर उस समय लगभग वहां से 20 टैक्सी गुजरी थी और सर इजी फेयर कैब के मैनेजर ने सभी 20 ड्राइवर को फोन किया लेकिन एक ड्राइवर का फोन बंद आ रहा है। मैंने भी फोन ट्राई किया सर। कौन है? सर उसका नाम सुधीर है। सुधीर लगता है यही हमारा आदमी है। श्रेया जरा हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करो, इस सुधीर का कोई इंफॉर्मेशन है क्या? सर समझ गया, ड्राइवर बनने से पहले ये चोरी और लूटपाट करता था। चलो इस सुधीर के इजी फेयर कैब में सवारी करते हैं। सर आप लोगों की फ्लाइट कितने बजे की है? तुम आगे वाले सिग्नल से जरा राइट ले लेना। अरे लेकिन एयरपोर्ट जाने के लिए सीधा चलना पड़ेगा। यार जरा मूड चेंज हो गया, तुम सीआईडी ब्यूरो ले लो फिर चलते हैं एयरपोर्ट। ब्यूरो? सीआईडी? क्या हुआ, ये टैक्सी ब्यूरो नहीं जाती क्या? नहीं नहीं वो बात नहीं है लेकिन क्या अरे हम बताते ना ब्यूरो का रास्ता, चलो सीधे। लेकिन साहब आपके पास फ्लाइट की टिकट है, उसका क्या होगा? टिकट हमने लिया ही नहीं था, वो असल में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है बस इसीलिए तुम्हारी टैक्सी में बैठ गए। आप लोग सीआईडी से है क्या? बड़ा सही पहचाना तुमने है? अब गाड़ी सीधे जरा ब्यूरो ले लो। साहब साहब मैंने क्या किया? ये जरा देखो इसको, इस आदमी को पहचानते हो? देखो भाई हमें पता है ये तुम्हारी गाड़ी में बैठा था, अब तुम हमें ये बता दो कि इसे कहाँ पे उतारा और सच सच बताना वरना अगर तुमको ब्यूरो ले जाके पूछेंगे तो काफी तकलीफ हो जाएगी। सब वो सच में मेरे टैक्सी में बैठा था लेकिन सब वो बहुत घबराया हुआ था, वो मैंने पूछा कि कहाँ जाना है, उसने कुछ बोला ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब मैंने पीछे देखा अरे साहब साहब क्या हुआ, साहब कुछ बोलते क्यों नहीं? तो क्या? तो साहब वो मर गया था। क्या? तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? साहब मैं बहुत डर गया था साहब। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर डर क्यों रहे थे तुम? वो बोलता क्यों नहीं? अब मैं सर मेरा लाइसेंस वाला दारू सप्लाई करता हूँ तो मुझे लगा कि मैं फंस जाऊंगा साहब। फंस तो तुम गए ही हो, चलो वो जगह दिखाओ जहाँ पे लाश छुपाई है। आइए साहब उस तरफ। क्या? आइए साहब आइए साहब। सर इस कार की डिक्की में। नाक से खून निकल रहा है, शायद कोई जहरीली चीज दी गई है। और कहीं तो कोई घाव या चोट का निशान नहीं दिख रहा है। सर मुझे माफ कर दीजिए,
माफ कर दीजिए सर, मुझे गलती हो गई सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी साहब। अभी तो तुम जेल जाओगे और उसके बाद ऐसी गलती मत करना। इस पे एड्रेस है, शायद ये एड्रेस असली हो, इस एड्रेस पे चेक कर लेते हैं। मिल गए वो? कहाँ है वो? आप इनकी बात कर रहे हैं? हाँ, यही मेरे पति है, पर क्या हुआ इन्हें? आप लोग अंदर आ सकते हैं? जी आइए। बोलिए ना इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मुकेश की तस्वीर ऐसी क्यों है? क्या हुआ है उन्हें? सब ठीक है ना? क्या हुआ भाभी? आप कौन? सर मेरा नाम रतन है, मैं मुकेश जी के शॉप में काम करता हूँ। भाभी जी पुलिस स्टेशन गई थी तो मैं भी उनके साथ गया था। एक्चुअली मुकेश ने एक औरत का खून कर दिया है। क्या? खून कर दिया? जी हाँ, खून। लॉज के एक अपने ही कमरे में उन्होंने उस औरत को मार डाला। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुकेश तो मेरे अलावा किसी से बात तक नहीं करते थे, वो किसी औरत का खून क्या करेंगे? यही नहीं, वहाँ पे तो एक दूसरी औरत भी उनसे मिलने आई थी, उसको भी ढूंढ रहे हैं हम लोग। मैम प्लीज, ये देखिए, ये वो है जिसका खून हुआ है और ये उनसे मिलने आई थी। आप पहचानती हैं इन्हें? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं पहचानती। बताइए ना, मेरे मुकेश कहाँ है? कहाँ है मुकेश? एक्चुअली मुकेश का भी खून हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कह दीजिए ये सब झूठ है। सीआईडी झूठ नहीं बोलती, हमें मुकेश की लाश मिली। ऐसा नहीं हो सकता, मुकेश मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मैं तो बर्बाद हो गई। संभालिए अपने आप, प्लीज। कैसे संभालू? बताइए मुकेश कहाँ है? मुकेश की बॉडी को हमने फॉरेंसिक लैब भेजा है कुछ जानकारी के लिए, ताकि ये पता लग सके कि उनकी मौत कैसे हुई। मुझे ले चलिए मुकेश के पास, मुझे अभी लेके चलिए उनके पास। देखिए, जांच के बाद बॉडी आप लोगों को हम लोग सौंप देंगे। वैसे मुकेश काम क्या करते थे? एक जनरल स्टोर है हमारा। जनरल स्टोर? इतना बड़ा बंगलो और बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, लगता है मुकेश जी काफी मेहनत किया करते थे। दिन रात मेहनत करते थे, बस सुबह शाम काम ही काम। देखिए, आपके साथ जो कुछ हुआ हमें बहुत दुख है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मुकेश का खून हुआ है। आप बता सकती हैं कि मुकेश के किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी हो? नहीं, मुकेश ऐसे नहीं थे, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वो बहुत अच्छे थे। सब उनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था? किसके साथ? एक औरत आई थी, उन्हीं के साथ उनकी कुछ कहा सुनी हो रही थी। इनमें से थी? नहीं, वो दूसरी थी। वो दूसरी नहीं, तीसरी औरत थी। तीसरी औरत? हे भगवान, मुकेश क्या क्या करते थे मेरे पीठ पीछे। चेवंती, इनको जरा अंदर ले जाओ। मैम आइए प्लीज, आप मेरे साथ आइए। आइए, आ जाइए। हाँ, क्या 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 बता रहे थे? क्या हुआ औरत के आने के बाद? वो दोनों में झगड़ा हो रहा था, उसके बाद मुकेश जी उनको बाहर लेकर के चले गए थे, फिर काफी कहा सुनी मैंने सुनी। फिर सर वो कुछ कह करके चली गई, फिर करीब 2 मिनट के बाद मुकेश जी भी चले गए, फिर सर उसके बाद वो वापस लौट करके नहीं आए। पहले कभी देखा तो उस औरत को? जी नहीं। स्केच बनवा सकते हैं उसका? यस सर। गुड,
पता करना होगा कि मुकेश की जिंदगी में इतनी औरतों का क्या चक्कर था, दोनों है कौन और मुकेश से मिलने क्यों आए थे, क्या संबंध हो सकता है इनका मुकेश के साथ। सर हमें अभी तक वही पता नहीं चल पाया है। इन दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास। सर मुकेश की पत्नी भी इन दोनों औरतों के बारे में कुछ बता नहीं पाई। स्केचेस तो ये दो है पर इन दोनों स्केचेस में ये आंखें देखो बिल्कुल मिलती जुलती है। हाँ सर बिल्कुल एक जैसी आंखें। सिर्फ आंखें ही नहीं ये चीक बोन्स, ये चिन, ये फोरहेड बिल्कुल एक जैसी है। मगर सर दोनों के बाल अलग है, एक के करली बाल हैं और एक के सीधे लंबे। निखिल बालों को तो जैसे चाहे तुम बना सकते हो। और नहीं तो क्या, वीक लगा लिया होगा इसने। सर इसका मतलब ये दोनों स्केचेस एक ही औरत के हैं, सिर्फ हुलिया अलग है। बिल्कुल, एक काम करो इन स्केचेस की कॉपीज को अलग अलग पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। दया। अरे डॉक्टर साहब क्या बात है, ये बन ठन के कहां के लिए निकले हैं आप। सालू के साहब आज बादल किसके ऊपर फटने वाला है। मेरा मतलब है रोक मत यार, अपने फ्रेंड के साथ लंच के लिए जा रहा हूं। लड़का या लड़की। दया मैं ये बताने के लिए आया था कि मुकेश की मौत ड्रग की ओवरडोज की वजह से हुई है। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से? और ये ड्रग भी कोई साधारण ड्रग नहीं है, बहुत ही खतरनाक ड्रग है, नई नई आई है, बाजार में आसानी से मिलती नहीं है। ड्रग्स मार्केट में नहीं है, कहीं ये ड्रग का ओवरडोज मुकेश की जान लेने के लिए तो नहीं दिया गया था। सारे खबरियों को अलर्ट कर दो, पता करना होगा इस नए ड्रग का पेडलर कौन है। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, हम पहुंच रहे हैं यार। हाँ साहब तू क्या, कैसे दिया? 50 रुपए का जोड़ा साहब, एक बार गाड़ी के शीशे पे लगा लेंगे एसी का एहसास देने लगेगी गाड़ी। बेवकूफ बना रहा, धूप तो अंदर आ रहा। साहब मुझे कुछ समझ नहीं आया इसलिए मैंने पुराना डायलॉग चिपका दिया। खबर क्या है ये बता। खबर ये है सर, जो मार्केट में महंगी वाली ड्रग आई है हाँ। उसके पेडलर का पता चल गया है। कौन है वो? हितेश नाम है मैडम उसका। कहाँ मिलेगा? नाइट क्लब में। ये ले, थैंक यू। तो वो जेसिका ही है जिसकी स्केच आपने भेजी थी, लेकिन सर वो तो 6 महीने पहले मर चुकी। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मर सकती है? सर मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था इसलिए कह रहा हूँ। ओह सर एक बात और, वो इंडियन नहीं थी सर। इंडिया के बाहर से आई थी? जी सर। उसकी लाश कहाँ मिली थी, क्या हुआ था उसको? सर लाश तो लावारिस थी, ऐसे सारी डिटेल इस फाइल में है सर। सुनसान जगह पे लाश मिली थी, सिर पे चोट लगने की वजह से मौत। लेकिन सर अगर ये 6 महीने पहले ही मर चुकी थी तो फिर जो मुकेश की दुकान पे गई और वो लॉज पे गई वो कौन थी? उस पहली को सुलझाना होगा। हम उसकी लाश दे सकते हैं? आइए सर। देखो डरना नहीं है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, आराम से सो जाओ। पीलू जी। जी डॉक्टर साहब। किससे बातें कर रहे थे तुम? अरे डॉक्टर साहब इन्हीं अपने दोस्तों से जो सो रहे हैं यहाँ पे बेचारे। पीलू कितनी बार कहा है तुम्हें कि पी के काम पे मत आया करो? डॉक्टर साहब अगर पीऊंगा नहीं तो काम कैसे कर पाऊंगा इतनी सारी लाशों के बीच। अच्छा अच्छा ठीक है, बॉडी नंबर 412 का ड्रॉ खोलो और जेसिका की लाश दिखाओ इन साफ लोगों को। 412? अरे क्यों देखना चाहते आप लोग, और आप लोग कौन? CID। लाश दिखाओ। CID? आप लोगों ने तो सारा नशा ही हिरन कर दिया। सर एक बात है, आप देखेंगे तो आपका मन दुखी हो जाएगा, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। गड़बड़ लगता है ये पीलू,
कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। लाश देखना जरूरी है क्या? पीलू, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? देखो, तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो, समझे? वरना जितनी चढ़ी है ना, दो मिनट में उतर जाएगी सब। अरे आप लोग तो बेकार में नाराज हो गए, मैं तो आपके सबके भले के लिए बात कर रहा था। आई आई आप लोग उसके रिश्तेदार हैं क्या? एक बार में समझ में नहीं आता तुझे, बोला ना सीआईडी से है। हाँ, आप लोग लगते भी नहीं है, क्योंकि कहाँ वो दूध जैसी गोरी सफेद चिट्टी। और हाँ क्या? और नहीं नहीं, बस मैं ऐसे बड़बड़ कर रहा था। आप आइए बेचारी। सर इसमें तो कुछ भी नहीं है। लाश कहाँ है? जी वो लाश मैंने बेच दी। पीलू, तुमने यहाँ की लाश बेच दी? डॉक्टर साहब, वो एक आदमी आया था, उसने कहा फिरंगी की बॉडी चाहिए। मतलब उस आदमी को मालूम था जेसिका की लाश के बारे में? हाँ साहब, उसने कहा कि मुझे पीने के लिए ढेर सारी दारू देगा और बहुत पैसे देगा। कौन था वो? दो लोग थे, लेकिन मैं उनके बारे में किसी के बारे में जानता नहीं। तूने अपनी परेशानियों को दावत दी, अब तू अपने आप को भी भूलेगा। ये था बोलो? हाँ जी, ये एक आदमी तो यही था, मूंछों वाला, लेकिन दूसरे के बारे में मैं नहीं जानता साहब। मंच ले जाओ इस पीलू को और पिलाओ गर्म पानी। चल मुझे मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया सर। मुकेश, मुकेश का और जेसिका का कुछ तो लेना देना है, पर अगर ये मर चुकी है तो फिर वो कौन है? सर बिल्कुल जेसिका जैसी दूसरी औरत कौन हो सकती है? शायद उसकी कोई हमशक्ल। एमबीसी से ये जेसिका की सारी डिटेल्स निकलवा लो। यस सर। हितेश, मुझे माल चाहिए। पहले रोकड़ा फिर माल। बोला ना अगले हफ्ते दे दूंगी। फिर माल भी अगले हफ्ते ले लेना। प्लीज हितेश, प्लीज माल दे दो। यार इतने पैसे वाली हो फिर भी प्लीज, पहले रोकड़ा फिर माल। मैंने बोला ना मेरे हस्बैंड को पता चल गया है कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। प्लीज अगले हफ्ते तक दे दूंगी पैसे, प्लीज मुझे माल दे दो। मैंने बोला पहले रोकड़ा फिर माल। जो तुम्हें चाहिए वो काफी महंगा है। इतने पैसे है तुम्हारे पास? मैंने उधारी का धंधा बंद कर दिया है। उसकी फिक्र तुम मत करो, जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे। माल सही होना चाहिए। काफी तेजी है माल की। माल के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, पहले पैसे फिर माल। नहीं, पहले माल फिर पैसे। स्मार्ट गर्ल। इतना माल सिर्फ 3 लाख का है इतने तुम्हारे पास? सिर्फ 3 लाख? इतने पैसे तो मेरे बॉडीगार्ड अपने जेब में लेके घूमते हैं। अभी बुलाती हूँ। पैसे लेकर अंदर आ जाओ। फ्रेडी निकल, तुम दोनों ये रहो और यहां से किसी को बाहर जाने मत देना। यस मैम। काफी स्मार्ट बॉडीगार्ड है। थैंक यू। लेकिन पैसे किधर है? सर वो आपको मिल जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? जेल। कौन है तू? हाँ सीआईडी। ये कौन है?
सर मुझे नहीं पता। ध्यान से देखो, तुम्हारी बेची हुई ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मरा है। सर मेरे क्लाइंट्स फिक्स है, मैं किसी अनजान लोगों को माल नहीं देता। अच्छा ठीक है, ये आए थे तुझसे माल लेने के लिए? हाँ सर, दो तीन दिन पहले आई थी, काफी माल लेकर गई है। इसे कैसे दिया तुमने माल? हाँ तुमने तो अभी कहा कि अनजान लोगों को तुम माल नहीं देते। सर ये बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी और रोकड़ा भी अच्छा खासा लाई थी, मैंने सोचा फिरंग है क्या फर्क पड़ता है, इसलिए दे दिया। ड्रग्स बेचने के जुर्म में अब जेल की हवा खाना, चल। मैम चल। सर सर पता करना होगा ये लड़की जिंदा कैसे है। सर सर उस स्केच वाली औरत का पता चल गया। कौन है वो? आइए सर। ये देखिए। ये तो जैसिका है। नहीं सर, ये सैंड्रा है, जैसिका की बहन, जुड़वा बहन। जैसिका की बहन? हाँ सर, जैसिका की लाश 5 महीने पहले लंदन के एक रोड पे पाई गई थी। सर उसकी लाश में ड्रग्स के पैकेट्स भरे हुए थे, ये देखिए। 5 महीने पहले का लंदन का एक न्यूज़पेपर, इसी में वो आर्टिकल छपा था। इसका मतलब है ये मुकेश गैर कानूनी तरीके से ड्रग सप्लाई के धंधे में है और उसने जैसिका की लाश को मॉर्ग से लिया और फिर उस लाश में ड्रग्स भर के लंदन भेज दिया। हाँ सर, और अब उसकी बहन सैंड्रा ने मुकेश को मार दिया। अब उस आदमी की जान को खतरा हो सकता है जो मुकेश के साथ वहां मॉर्ग में गया था। पर सर वो आदमी कौन है ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, वो आदमी मुकेश के साथ मॉर्ग में गया था। पता करना होगा कि मुकेश के सेलफोन नंबर के साथ उस वक्त मॉर्ग में और कौन सा सेलफोन था, और जिसका भी वो सेलफोन है उसकी जान को खतरा है। सैंड्रा उसे नहीं छोड़ेगी और हमें सैंड्रा तक पहुंचने के लिए उस आदमी का पता करना होगा। अब तेरा नंबर है मारने का, तूने और मुकेश ने मिलके मारा था मेरी सिस्टर जैसिका को। क्या सोचा था? ड्रग्स भर के मेरी सिस्टर का डेड बॉडी बेच दोगे इंडिया का बाहर और किसी को पता नहीं चलेगा? मुकेश तो गया और तुम जाओ उसके पास। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। मेरी सिस्टर ने भी ऐसे स्ट्रगल किया होगा और तुमने नहीं सुना, मैं भी नहीं सुनूंगी। तेरा स्टोरी खत्म अब। उस नंबर का लोकेशन क्या बता रहा है अभी? सर अंधेरी में। अंधेरी में कोई मूवमेंट है या एक जगह पे रुका हुआ है? सर एक ही जगह रुका हुआ है। सर हाँ, लगता है सैंड्रा ने मुकेश के साथी को अंधेरी में उस जगह पे बंधक बना के रखा है। सर कहीं सैंड्रा ने उसे मार तो नहीं दिया? अब ये तो कह नहीं सकते। सर लेकिन जिस इंसान को सैंड्रा वहाँ लेके गई है वो भी मुकेश के साथ गुनाह में शामिल था। पर उसे सजा कानून देगा ना कि वो सैंड्रा। अंदर तो कोई दिख नहीं रहा है, वहां चल के देखते हैं। ओह नो, सैंड्रा! सैंड्रा! सैंड्रा आंखें खोलो। सर ये जिंदा है। सैंड्रा! सैंड्रा आंखें खोलो, किसने मारा तुम्हें? बोलो। क्या? मुकेश। सैंड्रा, सैंड्रा, सर ये तो बेहोश हो गई है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी। तब तक हम इस मुकेश के साथी से मिलते हैं।
आप लोग फिर? तुम तब से यहीं पे हो क्या? वो भाभी जी को फोन लगा रहा था तो उनका फोन नहीं लग रहा था तो मैं उनसे मिलने चला आया। अच्छा क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ सर, मुकेश के खूनी का पता चला? जी हाँ, और भी बहुत कुछ पता चल गया। कौन है वो? जेसिका की बहन सैंड्रा। वो कौन है? मैं नहीं जानती। ये वही है जिसकी लाश में तुमने और मुकेश ने दग्ध डाल के यहाँ से लंदन भेज दिया था। सर आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। नहीं ओ जयवंती, तेरा याद दिला इनको, याददाश्त थोड़ी ढीली हो गई। मारोगी मुझे? क्या करूं, उसके बिना तुम सच नहीं उगलोगी। देखो मेरे पास मत आना। पास तो मैं तेरे आ चुकी हूँ, अब सच बोल। क्या सच? ये क्या करेगा? इसे तमाचा कहते हैं। हाँ हमने ही किया था ये सब। क्या हुआ, बीच सड़क में गाड़ी क्यों रोक दी? मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, बस तुम्हारी वजह से इस चक्कर में फंसा हूं मैं। मेरी वजह से? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारा कोई गला नहीं काट रही थी कि ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। बेवकूफ था मैं जो तुम्हारी बातों में आ गया। तुम्हारे पैसों के लालच के चक्कर में मुझे ड्रग्स के धंधे में कूदना पड़ा। मुकेश ज्यादा बोलो मत। हाँ उन पैसों से तुमने भी बहुत ऐश किए। मैंने ऐश नहीं किए बल्कि अपने सर पर मुसीबत ली है मैंने। अरे अच्छी खासी दुकान चला रहा था मैं, लेकिन तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाबों की वजह से ये दिन देखने पड़े मुझे। अभी पछताने का टाइम नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचो कि अब करना क्या है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अच्छा तुम जानते हो उन लोगों को? अगर समय पर उन्हें लंदन में ड्रग्स नहीं मिला, अगर कंसाइनमेंट पूरा नहीं हुआ तो वो मुझे ऊपर भेज देंगे। देखो मुकेश तुम इतना डरो मत। हाँ वो कंसाइनमेंट वहां जरूर जाएगा। कैसे जाएगा? ओहो मुझे ही अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। पहले तो तुमने उस जेसिका को मरवा दिया, अब क्या दिमाग चलाओगे? एक रास्ता है। जल्दी करो, हमें इस मुसीबत का जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना है। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी मुसीबत की नहीं अपने पैसों की पड़ी है। ओ मुकेश तुम फिर शुरू हो गए। तो क्या करूं? हाँ? इस लाश को काट के इसमें ड्रग्स डालूं? देखो मुकेश इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब सोचना बंद करो और जल्दी जल्दी काम करो जल्दी। क्या सोच रहे हो तुम, जल्दी करो ना। तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है क्या? देखो मुकेश हमारे पास और कोई चारा नहीं है, और अगर तुम नहीं कर सकते हो ना तो लाओ ये चाकू। मैं करूंगी, जा गाड़ी में से ड्रग्स का बॉक्स ले आओ और उन्हें फोन कर देना कि माल आ रहा है। लेकिन तुमने जेसिका की लाश में ड्रग्स क्यों मारे? वो हमारे साथ ड्रग्स का काम करती थी, लेकिन अचानक वो पीछे हटने लगी थी। एक कंसाइनमेंट हमें बाहर भेजना था लेकिन उसने साफ मना कर दिया। और मैं आप और साथ नहीं दूंगी। बस तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मुझे छोड़ना है ये ड्रग्स का काम। ए लड़की एक बात सुन ले, ये कंसाइनमेंट तो तू ही लेके जाएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर ज्यादा बोले तो पुलिस को सब बता दूंगी। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक नहीं मार डालते इसे, कहीं ये पुलिस के पास चली गई तो। तुमने और मुकेश ने मिलकर जेसिका का खून कर दिया और उसकी लाश एक सुनसान जगह पर डाल दी, लेकिन जब विदेश से कंसाइनमेंट भेजने का प्रेशर आया तो उसकी लाश का इस्तेमाल कर लिया तुमने।
तुम लोगों को लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर अचानक जेसिका की बहन सैंड्रा इंडिया आ गई और वो मुकेश के पीछे पड़ गई। वो हमें ब्लैकमेल करने लगी थी और धमकी देती थी कि वो हमें पुलिस के हवाले कर देगी। सुनीता को मुकेश के पीछे लगा दिया सबूत इकट्ठा करने के लिए। मुकेश डर गए और यहाँ इस लॉज में छिपके रहने लगे। लेकिन सुनीता वहां भी पहुंच गई, इसलिए मुकेश ने उसका गला दबा के खून कर दिया। लेकिन उससे पहले ही सुनीता मुकेश को ड्रग्स का ओवरडोज दे चुकी थी जूस में मिला के। मैंने सैंड्रा से भी बदला ले लिया, मार डाला मैंने उसे। नहीं नहीं, सैंड्रा मरी नहीं, उसे तो वक्त रहते हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वो बच जाएगी। लेकिन तुम अपने गुनाहों की सजा भुगतने जेल जरूर जाओगे। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।